ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱷᱤᱞᱟᱲᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱟᱞ ᱢᱟᱹᱴᱤᱭᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱞᱟᱵ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱤᱞᱟᱲᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱨᱮ ᱜᱳᱞᱠᱤᱯᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱤᱯᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱦᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭᱴᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭᱴᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱵᱟᱯ ᱚᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ 1,51,000 ᱨᱮ ᱚᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱥᱠᱩᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱢᱮ रजत मुर्मू ने इससे पहले मुझे लगता है अच्छा गोल कीपिंग और इस खिलाड़ी के नाम राजेंद्र में 3 सेव का भी रिकॉर्ड है अगर आपको याद होगा शुरू के दिन में बनगमा निकला बिन बगान को ट्राई गोल कीपर ने 3 सेव किया था टीम के लिए और यहां से पहला शॉट लेने के लिए बिन बगान को ट्राई ओके हम की बीपी ने अपने टीम के लिए 1 अंक बटोरा है और दोनों टीम जो शुरुआती जो पहला चरण होता है उसमें 5-5 खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा एक एक शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है बोलोगे बिल्कुल चलिए सबसे दमदार कीपिंग करने वाले खिलाड़ी हम बिना नजदीकी बॉल अगर हाईलाइट में अगर पहन जाए व्यवस्था मनोज किस्कु मनोज मरंडिया बंचाव का निषेधा पूनिया बंचाव उना एकदम चलिए लालू अट्टी जीवी रन टीम रे कैप्टन और इसमें लालू का भी खराब शॉट वाह आज नुकाल का मनोज मरंडिया नुआ दबदबा मैदानी जंग रे का बंचाव ने उना रे प्रेशर विपक्षी टीम यानी नीम बगान जितान रे साफ ने लिया जिसके चलते टीम ने कैप्टन लालू खुद मोहन सोने नोडे भाई गुंडारी का पिता से थे ये किताब बकौर थे और मुझे लगता है यहाँ लालू का जो चेहरा ये बताता है कि ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा निराश अपने उस परफॉर्मेंस से निश्चित रूप से यहाँ अपने टीम को एक मुश्किल परिस्थिति में डाला है और अभी भी इस मुकाबले में उभरने के लिए समय है इस समय सेकंड शॉट लाल मटिया की ओर से राजेंद्र शॉट लगाया लेकिन बहुत सुंदर क्लिनिकल फिनिश और एफसी लाल मटिया गोड्डा 2 में 2 गोल अभी तक हो चुका है अब नीम बगान के अभी जो 4 खिलाड़ी शेष रह गए हैं उसके ऊपर अब बड़ा जिम्मेदारी आ गया क्योंकि पहला शॉट मिस हो गया है एकदम ची हूं मां जिकाओ का मीट के गेम मिस अनुमना इन टूर्नामेंट को नहीं बाहर ही करना ना कथा तो बांध देना एफसी दुमका लगा ची हूं मां जिकाओ का मीट के गोल कभी भी गोलकीपर रुका हुआ लड़ना बराबर का रखना जहां तक इंडियन गेम का बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पहन खाए बकरा इमारत बकरा रहे मुया इससे मुया बहुत ही और गोलकी वगैरह वगैरह जो तो टीम स्ट्रांग है जी हां मनोदर और यहां पर सेकंड शॉट के लिए नीम बगा दुमका की ओर से पकड़ा है यहां शॉट के लिए अब देखना है अपनी टीम के लिए अंक बटोरने के लिए यहां से चांस मिलता हुआ देखें ये शॉट कैसे होगा और ये शॉट और जमीन से लगती भी लेकिन तेज हिट था मनोदर और इस वजह से यहां पर गोल हो चुकी है और यहां पर इस मुकाबले में 2-1 का यहाँ पर लीड है येलो कलर की जैसे पहने हुए टीम के पक्ष में नेहोरी दोहया तीना दर जनरल बुढ़ा को बिना प्यार से भोले दिया थोड़ा पे ध्यान आप बार जगह में जनरल बुढ़ा को परोक्ष चबाओ कर ना पारदार या उसका मान बनिया ना करा ना उल्लंघन चबाओ का जनरल बुढ़ा को आप पहले सावधान रहते हैं अपना पर्दा को चाहे उनकी तरफ से कटा कॉल फायर तीसरा शॉट अरे तू बेहतरीन नोडे 7 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी नोडे भूल का लाल टुडू और सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंट भी लेता मनोज राव नहीं है बोलोल ना और नमा ये के नोडे 3 रन 3 गोल हुई करप एफसी ललबटिया अभी नीम बगान की टीम भी मैच में वापसी करने के लिए दूसरे स्थान पर खिलाड़ी आ रहा है शॉट के लिए और देखना है
क्या योगदान दोनों की इस शॉट की मात्रा को समझ जाता है और देखता है यहां से जर्सी नंबर 11 पहने हुए खिलाड़ी जो कि वो भी दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट में फील्ड के अंदर संदीप सोनन आए थे। आप देख रहे हैं संदीप का शॉट कितना ज्यादा असरदार होगा। येलबू उन्होंने चेतना शॉट नीम बगान दुबका इस मुकाबले से इस सेमीफाइनल के जीत से कहीं दूर ले गया ये शॉट। मुझे लगता है निम्बगान की टीम के पक्ष से ये मैच धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल तुषार और बी कप्तान खान टीम के कप्तान रफाई फाइनल में अगर हरा खान खान 125,000 का कामना और जीतकर रफा 151,000 और मुझे लगता है इससे बड़ा मौका ललमटिया की टीम को हो ही नहीं सकता। और यहाँ से निम्बगान की टीम के लिए मैच वापसी करने के लिए एक अच्छा मौका चौथा शॉट को गोल डालना होगा और गोल के अंतर ज्यादा नहीं है फिर भी सेमीफाइनल की जो अहमियत की वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था फाइनल में जाने के लिए। और और मनोज इतने शानदार शॉट और गोल की निहायत जरूरत भी था। और यहाँ पर 4-2 गोल निम्बगान दुमका और 4-3 गोल। खैर अभी भी इस मुकाबले में ये भी एक डबल ये मौका था और यहाँ से अगर दीपक अगर गोल डालते हैं तो यहाँ से भी जीत सुनिश्चित हो सकती है। मनोज दीपक फाइनल में सेकंड लड़ाई हुआ रफाल है सेकंड लड़ाई को की गया मेरा रोना चीज सारे कभी उन्होंने पूरा गाड़ी आकर सभा दीपक का प्रभाव क्या ये गोल लागेगा। चलिए दीपक आम लाल मटिया टीम दीपक चला में वाह से उन्होंने लीजा कहना मुश्किल किया लेकिन उन्होंने लक्ष्य मरमो टप टप वाह बाबा जी इस बीच और इस मैच में लगातार दो मौके को गवाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। 5-5 में ही जीत सकते थे लेकिन लगातार 3 गोल
यहां पर अपना कलर में जैसे चले गए एप्सिलॉन का बड़ा और फाइनल में जाने के लिए जो एक भी चांस मिला था उनको दबा दिया है और मैच वापसी करने के लिए टीम बगान सिंह का टीम के खिलाड़ी को यह गोल दागना जरूरी है और अगर गोल दाग देते हैं तो सेकंड मैच में मुकाबला चला जाएगा जितना इंपॉर्टेंट शॉट लालमटिया का था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम बगान के दृष्टिकोण से इस खिलाड़ी का शॉट है और देखना है ये खिलाड़ी क्या गोल दाग पाते हैं नहीं जर्सी नंबर 6 पहने हुए खिलाड़ी इस बार पांचवें स्थान पर अजय किसको नेल बोल्ड शॉट आए बड़ी महत्वपूर्ण शॉट और ये भी ये गोल और इस तरह से पांच पांच में तीन तीन गोल दो दो मिस हुआ दोनों तरफ से इस वजह से मुकाबला सेकंड डेट में चला जाएगा पसंद भी होगा मनोज नहीं हो लेची बिता दे अगर लेट के उड़ाई काम हो बिल्कुल बिल्कुल नोटा सेंगे मार मार बोला थी ये जरूर वो मुझे उनका जिन्हें बिताओ का प्यार वही ने आर वाला सब कोई के ना वाह खाई एकदम इन्होंने पूरी दिन या कोई किन दिखेगा एकदम खतरे से खाली नहीं है यार तो मैं हो रहे बपार बुटनी और ना बपार बुटनी से हो बाजी घर तुम्हें उनका नोड़े को वापस को हेज करा नीम भगान पूरा वाह चले ये तो बना होटल बराबर ही टीम ना जर्सी नंबर 15 दुई खिलाड़ी थे बोली बुलाओ कब है ना 1051 में ग्राउंड गोल रहे लेकिन मौका भाई नाम लगा तुम कम थे यार नोड़े ओपेंडर टीम रनिंग निराद की ने अब तो है ना विराट कोहली की ना चीज का इंडियन क्रिकेटर टीम ने विराट कोहली मिडियम दमदार खिलाड़ी की ना उनका लगा कि हम मेंबर या कना एफसी लाल मटिया दिया ने खिलाड़ी आप मुझे संग में अपने खिलाड़ी आए कना वाह चलिए लच्छू भाई अच्छी ग्राउंड पर हुआ परिवर्तन के तौर में उन्होंने बढ़िया बॉल उन्होंने ब्लॉक करा ऐसे में पहला सेवन डेट या पहला मौका एफसी लाल मटिया नीच हो मौका मिला जितके रो लगे एफसी लाल मटिया फसरते मैं मनोज बना दिया अगर उन्होंने हीरो बना कर वाह लेकिन पतरा हो मैंने उपेंद्र इन रुकावा लेकिन रुका तो जाते मैं रुका तो यहाँ बहुत बड़ी चैलेंज हुआ निम बना तुमका रन सुपर हो गया तुषार जी आइए मनोज ये एक बहुत बड़ा एक कॉल हो सकता है मैं समझता हूँ और अनुभव रखते हैं सबका यहाँ पर थोड़ा सा विपिन भी वहां पर जाकर के उनको कुछ सलाह देते हुए और संभव तो यहाँ लगातार ये चेंजिंग के लिए वहां पर रेफर किया है और विपिन सोरेन इस बार एक टीम की उम्मीद लिए हुए इतने सारे प्रशंसकों की उम्मीद लिए हुए एफसी ललमटिया की टीम का कमान संभाले हुए इस कमान को देख रहा है कि आपके टीम को यहाँ से फाइनलिस्ट बना डालने में क्या योगदान होगा फिर यहाँ से टीम बना दुमका के खिलाड़ी इस बार शॉट लिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट प्राइजर में भी इतना रोचक होगा किसी ने कल्पना नहीं किया था पहले क्या से और मैंने पहले ही कहा आपके बाद पूरी तरह से सवा सोलो आना सच था कि कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा और चंदन कुमार को शॉट के लिए आया है इस बार